वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। एयरसॉफ्ट गन इंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ शॉटगन बाय एयरसॉफ्ट गन इंडिया। इसको शॉटगन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शॉट है एंड ये शॉटगन की तरह दिखता है, जो बैंक वाले जो गन रखते हैं उसके तरह दिखता है। सो दिस इज एन एयर गन, 0.177 का एयर गन है। बहुत महंगा नहीं है, दिस इज हमारे खुद के ब्रांड का है। बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, इट इज एट अ वेरी लेस प्राइस। मतलब आप समझ लो कि CO2 गन्स के वन टेंथ ऑफ द प्राइस में है। इसके अंदर 0.177 पैलेट्स, एक पैलेट आप डाल सकते हैं। दिस इज द पैलेट आप इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज 0.177। इसके लिए इंडिया में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको आईडी प्रूफ देना होता है एंड योर एड्रेस प्रूफ एंड यू कैन बाय दिस। ये मेटल का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है। जो ग्रिप है ये पूरा ये वुड का बना हुआ है। जो ट्रिगर है या बाकी पार्ट्स हैं, इट इज़ ऑफ मेटल। साथ में आपको ठीक ठाक काम चलाऊ ये स्लिंग मिलता है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्लिंग बट दिस इज वॉट इट इज़। इसका साइट्स मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले तो मैं रेल बता दूं, इसके ऊपर रेल है तो आप चाहो तो इसके ऊपर स्कोप भी माउंट कर सकते हो। तो स्कोप जितने की गन है ऑलमोस्ट उतने प्राइस की है जो स्कोप आती है। आई गेस थोड़ा सस्ते आती है स्कोप, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। प्राइजेस वगैरह के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। ये ऊपर का आप देख सकते हो साइट को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। सामने का भी है। अब साइट एडजस्टमेंट इज एन आर्ट, ये साइंस नहीं है, ये आर्ट है। आपको धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आप कितने स्टेबल हो। वो सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करो। और ये मेटल का है तो काफ़ी अच्छा बनाया गया है। बहुत रेयर चांस है कि ये ख़राब होता है ओवर टाइम। कुछ लोगों के पास तो 20-20 साल से पड़ा हुआ है, बट देन इट डिपेंड्स कि आप कैसे इसकी रखवाली करते हो। अगर आप इसको धूप में रख दोगे तो ऑब्वियसली बात है इसकी सील वील ख़राब हो जाएगी। अगर आप इसको अच्छे से रखोगे, साफ सफाई करोगे, आप एक क्लीनिंग किट रख लोगे तो इट विल लास्ट लॉन्गर। आप हुक्स भी खरीद सकते हो उसको दीवार पर टांगने के लिए। हमारे पास राइफल की कवर भी है, सस्ती वाली भी है, महंगी वाली खरीदने की जरूरत नहीं है। यू कैन बाय अ चीपर वन। मैं आपको इसका वेट बता देता हूँ कि इसका वेट कितना है। सो वंस यू नो द वेट ऑफ दिस, ये 0.0 पे है। इसके ऊपर हम लोग इसका वेट करते हैं एंड यू कैन सी वेट ऑफ इज 3 किलो है। 3000 ग्राम मतलब 3 किलो के करीब का है। तो रफली 3 किलो 100 ग्राम के आसपास का होता है। ये वुड का बना होता है तो वुड में जो है इट समटाइम ऑब्जर्व्स वाटर, ये इसकी डेंसिटी अलग अलग आती है। मेटल का भी है तो ये अराउंड 3 किलो का है, 3 किलो 100 ग्राम का है। काफ़ी अच्छी गन है, सिंगल शॉट डलता है, एक बार में आप एक गोली लोड करते हो एंड इट इज़ नॉट दैट हार्ड टू यूज़। फिनिशिंग भी ठीक ठाक है, आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा थोड़ा आपको अलग से डिज़ाइन है। तो ये इट इज़ वेरी नॉर्मल क्योंकि ये सारी गन्स जो है हाथ से बनाया जाता है, इट इज़ नॉट मशीन मैन्युफैक्चर। तो यस, इट लुक्स प्रिटी नाइस। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे लोड करते हैं। ये सिंगल शॉट है तो आपको एक इसके ऊपर झटका मारना है लाइक दिस एंड मेक श्योर ये क्लिक करे। बहुत से लोग क्या करते थे, ऊपर ही छोड़ देते, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको नीचे तक लेके आना है। पूरा इसको ब्रेक करना है। मैंने ऑलरेडी 2 पैलेट्स फायर किया है उसके ऊपर और एक 8 पे लगा था, दूसरा 8 पे लगा है। फिर से ट्राई करते हैं, लेट्स सी कि हम इस वाले से कितना फायर करते हैं, कैसा फायर करते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा जल्दी फायर कर दिया, इट वेंट अप। एक बात और आपको याद आता हूँ, ऑल्दो इट इज़ अ बेसिक वन, बच्चे के लिए आई डोंट थिंक सो इट विल बी अ गुड, मतलब बच्चा इसको ब्रेक नहीं कर सकता। तो एनी वन हु इज़ बाइंग, मेक श्योर यू आर एटलीस्ट 16-18 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि उससे नीचे वाले जो हैं इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे अनलेस यू आर इन टू अ सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट। ओके, सो आप देख सकते हो दोनों 5 के करीब दोनों पैरेट्स लगा। लेट्स ट्राई वन मोर, एक और ट्राई कर लेते हैं एंड देन वी विल रैप अप द वीडियो। ओके, दिस वाज एक्चुअली गुड, ये जो है 8 नंबर पे जाके लगा। तो लेट्स फायर वन मोर, एक और अगर हमने इस पर फायर कर लिया तो विल गो क्लोजर एंड यू नो इंस्पेक्ट कि कैसा हमने परफॉर्म किया। वैसे तो इट वॉज नॉट दैट गुड क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज में आ रहा हूँ।
ओके, ये भी जो है 5 नंबर पे लगा है, इफ यू कैन जूम इन आप देख सकते हो, एक जो है 8 नंबर पे लगा, बाकी सारे जो है ऊपर 2 या 3 पे लगे हैं। सो दैट इज इट गाइज, इफ यू वांट टू परचेज इट क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के इसे खरीद सकते हैं। एंड इफ यू गिव दिस वीडियो 1000 लाइक, 1000 अगर हमें इस पर लाइक मिल जाते हैं तो हम इसको आउटडोर लेके जाएंगे एंड विल शूट सम आउटडोर वीडियो जहाँ पे कि हम थोड़े कोक के कैन वगैरह फोड़ें। सो इफ यू वॉन्ट टू सी द वीडियो, 1000 लाइक्स इस वीडियो पे दे दीजिएगा। परचेज करने के लिए यू नो हाउ टू डू इट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक मंडे टू सैटरडे, या फिर आप हमें मेल करिए airsoftgunindia@gmail.com, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, या फिर आप वेबसाइट पे कॉल बैक रिक्वेस्ट के कॉलम में जाकर के फिल कर सकते हैं। एंड यस, वी डिलीवर ऑल ओवर द कंट्री, सो जाइए और ऑर्डर कर दीजिए, हमारे पास क्रेडिट कार्ड के भी ऑप्शंस हैं। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गाइस हैव फन।